हाय एवरीवन, सो पिछली राइड के बाद अपने वीडियोस को एडिट, अपलोड और शेयर करने के बाद फाइनली आज हम रेडी हैं एक नए व्लॉग की शुरुआत करने के लिए। सो मैंने एक चीज नोटिस करी, पिछले एक साल में मैं थोड़ा ज्यादा बीमार पड़ने लगा था। इसके दो रीजन मुझे समझ में आए, पहला अपना बिजी शेड्यूल और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज। मैंने डिसाइड किया है कि अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड करेंगे और इसके लिए हम शाम को जाएंगे एक फिटनेस सेंटर। से पहले अपने व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर होस्ट हर्ष एंड यू आर वाचिंग गॉड स्पीड। वेलकम बैक। तो आज के दिन में कुछ जरूरी काम करने हैं और साथ में मैं सुनाऊंगा आपको कहानी अपनी पहली बाइक की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हम आ चुके हैं अपने पार्किंग पे। ये है हंटर, इससे तो आप मिल ही चुके हो और अब मैं आपको मिलाता हूँ अपनी फर्स्ट बाइक से। तो ये है अपनी फर्स्ट बाइक, यामाहा R15 वर्जन 3। इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है अभी, प्लस कुछ डैमेज भी हुआ है इसमें, बट कोई नहीं, ये गाड़ी दिल के बहुत करीब है अपने। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, तो हम निकल चुके हैं फिर से सड़कों पे और पहला काम जो हम करवाने जा रहे हैं वो है वॉशिंग, क्योंकि लंबा समय हो चुका है पिछले ट्रिप के बाद से, हंटर की भी सफाई नहीं हुई है और अपनी R15 को तो मैं पूरे एक साल के बाद मिल रहा हूँ। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, bike wash कराने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपने bikes पे कुछ repair वगैरह कराने के लिए। मुझे जाना है Royal Enfield showroom पे। इस वक्त हम बढ़ रहे हैं बाजार की तरफ। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, तो अब हम पहुंच चुके हैं Royal Enfield के showroom पे, जहां पे मैं अपनी Hunter पे थोड़ा सा कुछ काम करवाने वाला हूं। हम पहुंच चुके हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम पे। तो जब से मैंने इस पे ये बैकरेस्ट लगवाया है, एक छोटा सा सिचुएशन हो गया है और वो ये है कि जो इसका साड़ी गार्ड है ये थोड़ा सा फ्री हो गया है और ये थोड़े से भी गड्ढे पे जाने पे, बम्प्स में, ये आवाज़ करने लगता है। तो प्लान ये है कि इसको अब हटा ही देना है। इसके अलावा अपनी R15 की जो ये थोड़ी सी दुर्गति हो गई है, इसको भी हमने फिक्स करना है। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, अपनी हंटर का काम तो हो चुका है, अब वक्त है R15 पे थोड़ा सा फोकस करने का। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, तो अब हम चल रहे हैं अपने एक फ्रेंड के पास में एंड होपफुली उसके पास हमारी R15 की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन मिल जाए। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, इस टूटे इंडिकेटर को ठीक कराने के बाद वक्त है अब अपनी R15 चलाने का और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने का। Honestly speaking, this is so weird. Hunter चलाने के बाद R15 चलाने में जो मुझे चेंज ऑफ एक्सपीरियंस हो रहा है मैं उसको बयान नहीं कर सकता। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं और फाइनली ऐसा लग रहा है कि गाड़ी घर वापस आ चुकी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो मैं आपको इसकी छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है जब मैं क्लास 9th में पहली बार दिल्ली गया। मैं रोड पे था और बड़ी दूर से एक आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो आसमान गूंज रहा हो। फिर मैंने नोटिस किया कि दूर से एक लाइट मेरी तरफ चली आ रही है और जब वो मेरे सामने से गुजरी आई वॉज लाइक ब्लोन अवे। वो एक यामाहा R1 थी। बाइक्स मुझे पहले से ही पसंद थी लेकिन उस दिन मुझे लगा कि आई हैव फाउंड माई ड्रीम और तब से बाइक्स मेरे लिए एक पैशन बन गया। यामाहा ने R15 2008 में लॉन्च की थी जब तब मैं क्लास 10th में था और वो बाइक मेरे दिल में बस गई थी और मैंने डिसाइड किया था कि यही मेरी फर्स्ट बाइक होनी है। 2014 में पहली बार अपने दोस्त की R15 चलाई और फाइनली 2018 में जब मेरी जॉब लग चुकी थी और उसी समय यामाहा ने R15 का वर्जन 3 लॉन्च किया और बस मुझे लगा कि यही टाइम है अपनी ड्रीम बाइक को घर लाने का। अपनी जो भी सेविंग्स थी वो लेकर बैंक से फाइनेंस करवाया और EMI पे अपनी ड्रीम बाइक में घर ले आया।
इस बाइक से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, मेरी पहली लॉन्ग राइड, मेरा पहला ब्लॉग सभी इसी के साथ है। लगभग 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने ये बाइक अपने छोटे भाई को दे दी। वो हल्द्वानी में रह के अपनी पढ़ाई कर रहा था और उसका रूम मेन सिटी से काफ़ी दूर होने की वजह से उसे कम्यूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और उसकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने अपनी बाइक अपने भाई को दे दी और मैं स्कूटी पे आ गया। माना कि बाइक पैशन है लेकिन भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। टाइम गुजरा और अब भाई वापस घर आ चुका है और वापस आ गई है मेरी बाइक। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अपनी R15 को तुम बेच क्यों नहीं दे। रीज़न बड़ा सिंपल है, मैं बेचने पे विश्वास नहीं रखता, मैं यकीन रखता हूँ कलेक्शन बनाने। मेरा एक सपना है कि खुद की बाइक्स का कलेक्शन, एडवेंचर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, क्रूजर बाइक, और बहुत जल्दी उस सपने को हम पूरा करें। और राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब घर पहुँच चुके हैं। All right, ladies and gentlemen, boys and girls, घर पहुंचने के बाद लंच और थोड़ा सा आराम करने के बाद फाइनली अब वक्त है उस वादे को पूरा किया जाए जो हमने आज सुबह ही खुद से किया है। तो इसके लिए हम चल रहे हैं एक फिटनेस सेंटर की तरफ। आपसे रास्ते में मिलते हैं और बाकी सब बढ़िया है। वर्कआउट पूरा हो चुका है आज का। अब हम चल रहे हैं अपने दिन की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls. फिलहाल का आज का काम R15 का हो चुका है और उसमें वाइजर पे जो स्टिकर डैमेज हो चुका था उसको फिक्स करा लिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो घर पहुंच चुके हैं और एक्सरसाइज के बाद अब लगी है जोर की भूख। सो गाइस, बाइक का काम भी बाकी है, पूरी तरीके से वो हो नहीं पाया है, बट कल का दिन है हमारे पास, कल उसे फिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस, जो ये आज का व्लॉग था ये कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं था, ये मेरी एक कोशिश थी डेली व्लॉग बनाने की, और होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अगर सब्सक्राइब करोगे तो मजा ही आ जाएगा। विद दैट बीइंग सेड गाइस, लेट्स जस्ट वाइंड अप दिस वीडियो। ड्रीम बिग, फाइट फॉर इट। हाँ आ रहा हूँ अब बस।